दोस्तों आज का दिनांक देखिए 12 अक्टूबर और आज वेडनेसडे है। और देखिए मैंने अभी एक लॉट में ट्रेड ले रखा है और मैं आपको बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ कहाँ चल रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो आपको मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर जा रहा है और मेरा आपको ट्रेड दिखाता हूँ मैं। ये देखिए एक लॉट में मेरा ये चल रहा है, अभी जो भी चल रहा है तो दिख रहा होगा आपको। ये देख सकते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट में, इस तरह से ये ऊपर जा रहा है। HDFC को देखते हैं कैसा कर रहा है। ये HDFC का चार्ट, ICICI बैंक का चार्ट देखते हैं, ये भी चल रहा है इस तरह से। और हमारा देखिए पोजीशन में इस तरह से चल रहा है। अभी देखते हैं इसका कहाँ तक इसमें हम प्रॉफिट ले पाते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 38,900 का। जल कहाँ से कल जो मार्केट यहाँ से नीचे आया था उस वो लेवल है दोस्तों ये वाला 38,900। तो 38,900 अगर जाएगा तो हम प्रॉफिट अपना एक बार बुक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चल रहा है 870 पहुंच चुका है और अभी हम प्रॉफिट अपना बुक करने वाले हैं दोस्तों। देखिए हमारा लेवल जा रहा है और हम अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं एग्ज़िट। ये देखिए हमने एग्ज़िट कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों इस ट्रेड को मैंने देखिए 9:19 में 410 के भाव में ख़रीदा 25 क्वांटिटी, उसको मैंने 9:26 में 516 के भाव पे बेचा देखिए 25 क्वांटिटी। तो अब इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। ये देखिए ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन, ये 5 मिनट कैंडल दोस्तों 5 मिनट में देखेंगे आप। तो कल का मार्केट देखिए इधर यहाँ पास देखिए या इस जगह पर 2 घंटा समय बिताया, उसके बाद जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लेवल पर आया। देखिए ये 38,600 के पास का जो कोई लेवल है इस लेवल के पास। अब मैं आपको अब एक मिनट में इसको दिखाता हूँ, एक मिनट में ये देखिए एक मिनट में आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, मतलब इस जगह पर खुला कुछ और यहाँ तक हाई बना के यहाँ तक का लो बनाया। और लो लेने के बाद देखिए ये जो कल का लो है यहीं पास आके सपोर्ट में फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने जस्ट यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हाई और ये वाला लो लिया और मैंने फिबोनाची का टूल लगाया। देखिए ये देखिए फिबोनाची का यहाँ से यहाँ तक लगाया, इस तरह से लगाने के बाद देखिए ये जो ब्लू वाला लाइन है ये 50% का मतलब लेवल है। 50% कहने का मतलब है कि देखिए मार्केट इस लेवल से यहाँ तक कितना नीचे आया आज मतलब आज यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नीचे आया, 190 पॉइंट लगभग। 190 पॉइंट को आप देखेंगे, 190 पॉइंट जब नीचे आया तो उसको कवर करके पूरा आधा कवर करके देखिए 95 पॉइंट उसका आधा होता है, 90-95 पॉइंट। ये देखिए ये आधा होता है इसका, इसको कवर करके देखिए ऊपर जा रहा था। तो मैं जैसे इसको 50% को ब्रेक किया मैंने यहाँ पास ट्रेड ले लिया दोस्तों, उसको मैंने यहीं पास एग्ज़िट किया। बस सिंपल सा लॉजिक था, जैसे 50% को ऊपर साइड ब्रेक किया इस तरह से और मैंने यहीं पास ट्रेड लिया और फिर मतलब इस जगह पर कुछ एग्ज़िट कर दिया जो कल का क्लोजिंग था, मतलब कल जिस जगह से मार्केट नीचे आया था इस लेवल से। तो 38,900 के पास मैंने अपना ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, जैसे यहीं पास कुछ लिया और यहाँ पास 38,900 के इस लेवल पर मैंने एग्ज़िट कर दिया। सिंपल सा लॉजिक था फिबोनाची का, जो ऊपर से नीचे तक मैंने लिया और 50% के बाद उसको मैंने ट्रेड ले लिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का। तो अभी ऐसा अगर कभी मार्केट खुलने के बाद तुरंत ऐसा कंडीशन बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है, तो उस बात को भी ध्यान दीजिए। 50% अगर ऊपर ब्रेक किया तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे अगर आ रहा है तो फिर आप नीचे साइड का ट्रेड ले सकते हैं।
सिंपल सा लॉजिक बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उसका बहुत दिल से मेरा धन्यवाद रहेगा, और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए, ताकि आगे मैं और भी वीडियो इस तरह से लेकर के आता रहूँगा। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।